को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भोजपुरिया भाई लोगों के हमारे प्रणाम बा। हमारे साथ प्रिंस बाबू बैठल बारन जी, हमारे फिल्म के हीरो बारन। तीन हीरो में बजरंगी के करेक्टर करत बारन। अब हम इस फिल्म के बारे में सबसे पहले बता दी पूरी कास्ट। राम देव जी कर रहे हैं, लखन आदित्य मोहन जी कर रहे हैं, बजरंगी प्रिंस बाबू कर रहे हैं, सीता के रोल में श्यामली जी हैं, पायस पंडित जी आप एक करेक्टर हैं जो बजरंगी के पेयर में हैं, और मैं एक विलेन के रूप में हूँ। और इसके अलावा भी हमारे कोई नहीं बताया, हमारे इस फिल्म के राइटर हैं राजीव जी और डायरेक्टर भी हुए, उन्होंने इस कहानी को लिखी है। और इसके बाद प्रेम सागर जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं सुमन पांडे जी, ऋषोम पांडे जी, ये हमारी पूरी ताने बाने पूरे कास्ट हैं। संजय पटियाला पीआरओ, ये मेरा पूरा परिवार अभी है। राम लखन बजरंगी का मेरा पूरा परिवार है। अब आगे पूछिए आप। आपको इस फिल्म में किस तरह का रोल आएगा? हम विलेन के किरदार में हैं। विलेन में भी कुछ ना चेंज रहता है ना हर बार? कोई ऐसा चेंज नहीं है, विलेन तो वही रहता है। इस बार राजा विलेन है या भिखारी विलेन? नहीं, राजा विलेन है। राजा विलेन, क्या मैं भिखारी दिखता हूँ संजय बाबू आपको? नहीं, राजा विलेन ही है। नहीं, पूरी कहानी इसलिए नहीं बताएंगे कि हमारे, जब कहानी मैं पूरी इसलिए नहीं बताऊंगा कि हमारे राइटर डायरेक्टर साहब जब आएंगे मंच पे तो पूरी बातें बताएंगे। हालांकि पूरी कहानी मुझे सुनाई गई है, मैं सबका कैरेक्टर जानता हूं, सब लोग अपनी जगह पे बहुत बढ़िया कैरेक्टर, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। जो जहां आता है ताली लेकर के जाएगा, चाहे देव बाबू हों, चाहे प्रिंस बाबू हों, चाहे आदित्य बाबू हों। जहाँ सीता मैया आती है, जहाँ उर्मिला आती है, वो ताली लेकर चली जाती है। मैं आपको एक विश्वास के साथ दिला रहा हूँ, एकदम कहीं से। कहानी इतनी अच्छी है, तीन चार बार मैं डायरेक्टर साहब से सुना हूँ पूरी कहानी। कहानी इतनी है कि अभी हम काफ़ी समय से हम फिल्म कर रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी फिल्म मैंने नहीं की है, मैं दावे के साथ में बता रहा हूँ। फिल्म की शूटिंग कहाँ हो गई, कब से हो गई? हम फिल्म की शूटिंग 1 मार्च से जौनपुर में करने जा रहे हैं। सर, आपको जी आपको नहीं, नहीं, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, अमरीश पुरी महान थे सर, बहुत हम विभाग बोलते हैं, सब लोग लिखते हैं ए स्टार वो स्टार, नहीं सर, अमरीश पुरी मैं जीवन में नहीं बन सकता, वो महान था, अकेला अमरीश पुरी है। अगर मैं उनका इतना भी हो जाऊं तो अपने आप को मैं धन्य समझूंगा। सबसे बड़ी चीज़ है, घमंड नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं प्रिंस बाबू? सही बात। कभी हीरो के लिए ट्राई किया नहीं? एक फिल्म है जो मैंने हीरो बना था, सैया बेदर्दी, लेकिन उसमें भी विलेन टाइप का ही करेक्टर था, सतनाम कौर हीरोइन थी, नेट पे भी फिल्म है, और उसमें भरत कपूर जी विलेन थे, बीरबल कॉमेडियन था, बाबा जागीरदार का म्यूजिक था, लालजी यादव जी उसके, लेकिन वो ऐसा ही विलेन टाइप का ही करेक्टर था। अपने किरदार में कितने खो जाते हैं आप, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपको कोई विलेन बोले तो बहुत अच्छा लगता है? सर, वो तो डायरेक्टर का, मैं एक्टर हूँ। मैंने तो विलेन के अलावा भी गंगा देवी में एक अलग रोल किया, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, अभी सचिन यादव जी की फिल्म में एकदम पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ। मैंने हर किरदार को छू लिया, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं। अमित जी के साथ गंगा देवी में तो मैं लंगड़ा बना हूँ, 4 फुट का हूँ, विकलांग हूँ, तुतलाता हूँ, पैर से भी विकलांग, हाथ से भी विकलांग, मैंने हर करेक्टर को छू लिया है, कोई ऐसा शौक नहीं। तो हम जो करेक्टर मिलता है, मैं यही बोलूँगा कि उसमें मैं खो जाता हूँ, चाहे जो भी करेक्टर हो। नहीं, ऐसा क्यों डरेगा क्या? हम पर्दे के विलेन है भाई, निजी जिंदगी में मैं विलेन नहीं हूँ, ना विलेन बनना चाहता हूँ। क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ? क्या मैं वैसा थोड़े लगता हूँ? आप ऐसा क्यों पूछना है? मैं पर्दे का विलेन हूँ, निजी जिंदगी में विलेन नहीं हूँ। कोई ऐसा किरदार है जो आपको ड्रीम प्रोजेक्ट होगी मुझे करना है, वो आपको नहीं मिला? नहीं, मैंने कर लिया हर करेक्टर को, तो मैंने कर लिया है, कोई ऐसा है? इसमें भी मुझे एक समझिए कि राम का ऑफर था, लेकिन मैंने उसी करेक्टर को मैंने चुना। आपका प्रिंस कोई ऐसा जो स्टोरी हो जो आप क्लास कर रहे हो, मुझे ये रोल मिले? जी बिल्कुल, उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं। क्या है ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब जो सोच है कि आपके लिए? हाँ, उसके लिए हम लोग अभी बहुत वर्क कर रहे हैं, कहानी लिखा रहे हैं, जिस दिन लगेगा बताना उस दिन हम खुद आप लोग के माध्यम से हम ओपन करेंगे। फिटनेस आइकॉन जाने जाते हैं आप, जी फिटनेस की क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे फिटनेस के बारे में? बिल्कुल, अपना वर्कआउट करता हूं मैं, टाइम से सोना, जगना उठना, मैं शरीर पे ज़्यादा ध्यान देता हूं, उसी हिसाब से रहता है सर ना भैया। हम यही कहेंगे कि एक
2022 की हमारी ये सुपर डुपर हिट फिल्म हो राम लखन बजरंगी, बस हम यही चाहेंगे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब काफ़ी तबीयत से इस फिल्म को बना रहे हैं। काफ़ी लंबा हम लोग हम 28 डेज की शूटिंग करने जा रहे हैं, और एक एक सीन पे काफ़ी एक एक ड्रेस पे हमारे डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उसके राइटर भी हैं, और प्रोड्यूसर साहब हमारे इसमें सहयोग कर रहे हैं, सुमन पांडे जी, रिशोम जी, काफ़ी उन लोगों का सहयोग। धन्यवाद, थैंक यू सर।